नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के जो ज़िले हैं, झारखंड के जो ज़िले हैं उनको जानेंगे, उनका लोकेशन जानेंगे कि झारखंड का कौन सा ज़िला कहाँ पर है। ज़रूरी है जानना, अगर आप इस तरह के JPSC और JSSC मतलब झारखंड से रिलेटेड जो परीक्षाएं देते हैं उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और ऐसे झारखंडी होने की वजह से आपको यह जानना अति आवश्यक है हर तरह के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि झारखंड के कौन कौन से ज़िले कहाँ पर हैं, उनका मुख्यालय कहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कुल झारखंड में 24 ज़िले हैं फिलहाल, ठीक है। फिलहाल जो है झारखंड में 24 ज़िले हैं, सबको हम एक एक करके जानेंगे। उससे पहले एक यहाँ पर की पॉइंट बता दूँ, लाल कलर का जो होगा लिखा हुआ कहीं भी वो ज़िले का नाम होगा, और उसका मुख्यालय जो है ग्रीन कलर में लिखा होगा, हरा कलर में लिखा होगा, ठीक है। पहला जो ज़िला है वो क्या है, गढ़वा है। गढ़वा ज़िला पहला है जो है, जो इस जगह पे है, ठीक है, एक इस कॉर्नर में जो है, उत्तरी पश्चिम कॉर्नर में जो है वो गढ़वा, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, गढ़वा में ही है। दूसरा जो ज़िला है झारखंड का वो है पलामू, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका मुख्यालय डाल्टनगंज या मेदनी नगर कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर है उसका मुख्यालय। उसके बाद चतरा, दूसरा जो तीसरा जो ज़िला है झारखंड का चतरा है, उसका मुख्यालय कहाँ, चतरा ही है। अब बात करते हैं हजारीबाग, यहाँ पर हजारीबाग है और हजारीबाग का जो मुख्यालय है वो हजारीबाग ही है। उसके बाद बात करते हैं कोडरमा, उसके बाद जो अगला जो ज़िला है वो कोडरमा है, कोडरमा का जो मुख्यालय है वो कोडरमा ही। आप लोकेशन को ध्यान से देखोगे, ज़िला को तो मैं दिखा रहा हूँ और लोकेशन भी देखोगे ध्यान से। उसके बाद अगला जो ज़िला है वो गिरिडीह, यहाँ पर गिरिडीह है, ये पोजिशन जो दिख रहा है गिरिडीह है, और गिरिडीह का मुख्यालय गिरिडीह ही है। अगला जो है वो देवघर, इस जगह पर देवघर है, देवघर का मुख्यालय देवघर ही है। उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर में आता है दुमका, दुमका का जो मुख्यालय है वो भी दुमका ही है। अब बात करते हैं गोड्डा, गोड्डा गोड्डा का मुख्यालय कहाँ है, गोड्डा का मुख्यालय गोड्डा ही है। इस जगह पे इस कोने पे जो जो कि आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल और यहाँ पर बिहार, ये दोनों राज्यों सटा हुआ है साहिबगंज, इसका मुख्यालय साहिबगंज ही है। अब इस कॉर्नर में जो साहिबगंज के नीचे दुमका के ऊपर यहाँ जो दिख रहा है उसको बोलते हैं पाकुड़, अब पाकुड़ का मुख्यालय पाकुड़ ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इस जगह पे जामताड़ा है, देवघर के नीचे दुमका के बगल में ये जामताड़ा, इसका मुख्यालय भी जामताड़ा है। गिरिडीह और जामताड़ा के बगल में धनबाद है, और धनबाद का भी मुख्यालय धनबाद ही है। धनबाद के बगल में हजारीबाग के नीचे जो है वो बोकारो है, बोकारो का मुख्यालय बोकारो ही है। अब बोकारो के बगल में और हजारीबाग के नीचे एक और है रामगढ़, रामगढ़ का मुख्यालय भी रामगढ़ है। अब नीचे जो झारखंड का जो जो कैपिटल है, जो राजधानी है रांची, उसकी उसका जो है वो स्थान है, रांची का जो मुख्यालय वो रांची है, रांची भी एक खुद ज़िला है। उसके बाद आते हैं सरायकेला खरसवां, इस सरायकेला खरसवां इसका जो मुख्यालय है वो सरायकेला है, ये इसका लोकेशन इस जगह पे। अब आते हैं पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है, जमशेदपुर। दिमाग में रखना है कुछ ही ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय का नाम अलग अलग है। पहला जो है वो पलामू जो है उसको डाल्टनगंज या मेदिनीनगर है, दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसका जो पूर्वी सिंहभूम है उसका मुख्यालय जमशेदपुर है, बाकी जो मुख्यालय उसका जिस ज़िला पे है उसी के लगभग में। अब बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का जो मुख्यालय है वो चाईबासा है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, जो जिसका जिला का मुख्यालय थोड़ा अलग है, उसका नाम अलग है। अब आते हैं खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम के ऊपर जो है खूंटी, खूंटी का मुख्यालय खूंटी ही है। उसके बाद इस कॉर्नर में इस कोने में यहाँ पर सिमडेगा है, सिमडेगा का मुख्यालय सिमडेगा ही है, और इस जगह पर गुमला, गुमला का मुख्यालय गुमला ही है। उसके बाद आते हैं लोहरदगा, लोहरदगा का मुख्यालय लोहरदगा ही है, इस जगह पे लोहरदगा है। उसके बाद लातेहार, लातेहार का मुख्यालय कहाँ है, लातेहार ही है। तो ये सब जो है कुल जो झारखंड के 24 ज़िलाओं के नाम थे, उसके लोकेशन थे और जो उनका मुख्यालय है। तो कुल तीन ही ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय थोड़ा मुख्यालय का नाम अलग अलग है, पलामू डाल्टनगंज या मेदिनीनगर, और पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा, बाकी सारे ज़िलों का मुख्यालय वहीं पर है। और सारे लोकेशन को मैं दिखाया हूँ, इस अगर वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपको कुछ हद तक लोकेशन की जानकारी हो जाएगी, और खुद से मैप में जाकर अगर एक दो बार निहारोगे तो आपको इसकी लोकेशन याद हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर झारखंड के 24 ज़िले हैं और उनके मुख्यालय और साथ साथ उनका जो स्थान है वो समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।